बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गोलीबारी मामले में पूर्व मुखिया पति एवं वार्ड सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई लाखो थाना क्षेत्र के धबौली गांव से की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धबौली गांव के रहने वाले पूर्व मुखिया के पति बोतल सिंह उर्फ बिमलेश सिंह एवं वार्ड सदस्य विनय सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक लाखो थाना क्षेत्र के धनौली गांव में 27 जून को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी। इस गोलीबारी में दो व्यक्तियों को गोली लग गई थी। इस मामले में पुलिस ने पूर्व मुखिया पति बोतल सिंह उर्फ बिमलेश सिंह और वार्ड सदस्य विनय सिंह पर गोलीबारी का मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि जब दोनों आरोपी अपने घर के पास थे, तभी लाखो थाना पुलिस को सूचना मिली। उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना के बाद धनौली गांव के ग्रामीणों ने बोतल सिंह उर्फ बिमलेश सिंह के समर्थन में जमकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई अनैतिक है, एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। क्या लग रहा है, ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, साफ अन्याय हो रहा है। निर्दोषी पकड़ा जा रहा है, दोषी फिरा रहे कैसे? और इससे बढ़ के और क्या होगा? कैसे, क्या मामला था? मामला जमीनी मामला है। अच्छा, जमीनी मामला पे ये लोग जमीन पे गया, वो लोग उधर से आया, गोली चलाना शुरू कर दिया। ये दोबारा घटना है। ग्रामीणों के मुताबिक जो व्यक्ति गोली चलाया उसको पुलिस नहीं पकड़ रही, बल्कि निर्दोष को पकड़कर जेल भेजने का काम कर रही है। वहीं बोतल सिंह और विमलेश सिंह ने भी राजनीति के तहत खुद को फंसाए जाने की बात कही। जीवेश तरुण, न्यूज लाइव, बेगूसराय।